आज हम पढ़ेंगे थार्नडाइक के सिद्धांत के बारे में। थार्नडाइक का सिद्धांत है ना, इसके प्रवर्तक थे एडवर्ड एल थार्नडाइक। प्रयोग किए उन्होंने भूखी बिल्ली पर। थार्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम है प्रयत्न व भूल के सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत, उद्दीपक व अनुक्रिया का सिद्धांत और एस आर थ्योरी या एस आर बंध का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि थार्नडाइक ने प्रयोग किया भूखी बिल्ली पर, तो उन्होंने कैसे प्रयोग किया। तो सबसे पहले थार्नडाइक ने एक पिंजरा लिया। उस पिंजरे में यह जो बिल्ली जो बहुत भूखी थी है ना, भूखी बिल्ली को पिंजरे में कैद किया। उस पिंजरे के अंदर एक लीवर लगा हुआ था जिसका कनेक्शन था दरवाजे से। ये लीवर दबता और दरवाजा खुलता। बाहर उन्होंने एक मछली रख दी, ठीक है। तो मछली जो थी वो उसका बिल्ली का भोजन थी। तो भूखी बिल्ली को इस पिंजरे में कैद किया उन्होंने। कैद किया तो फिर बाहर मछली का टुकड़ा देखते ही बिल्ली ने अनुक्रिया करने लग गई है ना। वह उछली कूदी, यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास किया है ना, ऊपर नीचे इधर उधर बहुत अनुक्रियाएं की और अंत में बहुत प्रयास करने के बाद उसे संयोग वश ये लीवर दबा। गलती से यह लीवर दबता है और ये दरवाजा खुलता है और उन्होंने मछली या भोजन प्राप्त कर लेती है। थार्नडाइक ने फिर उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद बिल्ली को भूख लगती है, फिर से वह यही अनुक्रियाएं करती है, उछलती कूदती है, यहाँ से निकलने का प्रयास करती है। फिर उससे संयोगवश या लीवर दबता है और वह भोजन प्राप्त कर लेती है ना। तो थार्नडाइक ने यह देखा, फिर उसे पकड़कर पिंजरे में कैद कर देते हैं। तो थार्नडाइक ने यह देखा, यही क्रियाएँ बार बार दोहराई कि पहले बार जितना समय लगा है ना, पहली बार अगर 10 मिनट समय लगा होगा है ना, 10 मिनट समय लगा, तो दूसरी बार में उसे 8 मिनट लगे, तीसरी बार में उसे 6 मिनट लगे। तो ऐसे करते करते जो समय की अवधि थी है ना, उसी क्रियाओं की अवधि या समय की अवधि थी है ना, तो वो कम होती गई। तो एक बार ऐसा आया कि वह बिल्ली इधर उधर उछलना कूदना छोड़ के इतना ही एरिया कवर की जहाँ पर उससे लीवर दबता था और यह गेट जो है दरवाज़ा खुलता था। तो एक समय ऐसा आया कि उन्होंने लीवर दबाया और फट दरवाज़ा खुला और इन्होंने मछली का टुकड़ा या भोजन प्राप्त करना सीख गई। तो थार्नडाइक उसे जो अधिगम कराना चाह रहे थे वह हो गया है ना। तो इसी के आधार पर थार्नडाइक ने अधिगम के सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। तो इनके अधिगम के सिद्धांत के अन्य नाम है, पहला है प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, कि वह प्रयत्न क्या करती है, भोजन का टुकड़ा मछली को पाने का प्रयत्न करती है ना। तो वह बहुत सारी क्रियाएं करती है ना, इधर उधर उछलती कूदती यहाँ से निकलने का प्रयास करती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, प्रयत्न भूल का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है ना। प्रयास भी, प्रयत्न क्या करती है, वो यहाँ से निकलने का प्रयत्न करती है ना, ये दरवाजे से निकलने का प्रयत्न करती है। प्रयास भी करती है, भोजन को पाने का प्रयास करती है उन्होंने है ना। और त्रुटियाँ भी बहुत होती है। त्रुटियाँ कैसी होती है कि वो यहाँ से निकलने का प्रयास करती है ना, तो वो तो त्रुटि ही है कि वो निकलने का प्रयास करी लेकिन भोजन को प्राप्त तो नहीं कर पाई है ना, भोजन प्राप्त इधर उधर उछलती कूदती है ना, यह भी त्रुटि है। तो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक व अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक क्या है यहाँ पर, मछली जो है वो उद्दीपक है। और अनुक्रिया क्या है, अनुक्रिया वो जो क्रिया करती है पिंजरे के अंदर, इधर उधर जाना, उछलना कूदना है ना, यह है अनुक्रिया। तो उसी के आधार पर उद्दीपक व अनुक्रिया का सिद्धांत इन्होंने दिया है। तीसरा है एस आर बंध का सिद्धांत। एस क्या है यहाँ पे, स्टीमुलस उद्दीपक। आर है रिस्पॉन्स, मतलब अनुक्रिया, रिस्पॉन्स, स्टीमुलस और रिस्पॉन्स है ना। तो उद्दीपक यहाँ पे ही मछली का टुकड़ा है, रिस्पॉन्स है यह जो पिंजरे के अंदर जो क्रिया करती है वह रिस्पॉन्स, मछली को देख के जो क्रियाएं करती है, इसीलिए इसे एस आर बंध की, दोनों के बीच एक बंधन होता है, इसीलिए इसको एस आर बंध का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसी के आधार पर थार्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम दिए हैं। तो थार्नडाइक के सीखने के तीन मुख्य नियम हैं और 5 गौण नियम है ना। तो 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है, 3 मुख्य नियम में पहला है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या कहता है, तत्परता का नियम यह कहता है कि किसी कार्य को करने के लिए है ना, जब हम तैयार होते हैं तो उसमें आनंद आता है और वह कार्य को हम शीघ्र ही सीख लेते हैं है ना। जैसे कि यहाँ पर बिल्ली जो थी वो स्वयं से तत्पर हुई, तभी उन्होंने भोजन का टुकड़ा प्राप्त करना सीखी। जैसे कि यहाँ पर चुपचाप बैठ जाती, हुआ भोजन प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करती है ना, तत्पर, स्वयं से तत्पर नहीं होती,
तो वह भोजन प्राप्त करना नहीं सीखती। इसीलिए तत्परता का नियम मुख्य नियम है। दूसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम यह कहता है कि जब किसी कार्य को करने के लिए हम बार बार अभ्यास करते हैं तब हम उस कार्य को जल्दी सीख जाते हैं। जैसे कि बिल्ली ने यहाँ पर वही किया कि पहली बार में बहुत देर से उन्होंने लीवर दबाना सीखा, दूसरी बार में उससे भी कम समय लगा, तीसरी बार में उससे भी कम समय लगा। एक बार ऐसा समय आया कि वह तुरंत लीवर दबाई और दरवाज़ा खुला और उन्हें भोजन प्राप्त किया। यह है अभ्यास का नियम। तीसरा है प्रयास का नियम। प्रयास का नियम यह कहता है कि किसी कार्य को करने पर अगर किसी कार्य को करने पर यदि हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है ना, या सकारात्मक परिणाम आता है तो हमें उसका प्रभाव अच्छा होता है और हम उस कार्य को आसानी से सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर बिल्ली थी, बिल्ली ने अनुक्रियाएं की, प्रयास किया भोजन को प्राप्त करने का और कुछ देर बाद लीवर दबा, दरवाज़ा खुला और उन्होंने भोजन को प्राप्त किया। तो यहाँ पर क्या था, उसे सकारात्मक प्रभाव मिला तो वह और अच्छे से अधिगम की। लेकिन थार्नडाइक के इसी सिद्धांत में प्रभाव के नियम में संशोधन किया गया है कि थार्नडाइक ने पहले कहा था कि अगर किसी कार्य को करने में सकारात्मक परिणाम मिले तो उसका प्रभाव सकारात्मक हुआ और किसी कार्य को करने में हमें नकारात्मक प्रभाव मिले तो उसका कार्य, उसका परिणाम जो होगा वो नकारात्मक हुआ। लेकिन इसमें संशोधन करके उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि किसी कार्य का नकारात्मक परिणाम मिलने पर हम उस कार्य को नहीं सीखे, है ना, या उसका नकारात्मक प्रभाव पड़े। हो सकता है हम उस कार्य को और अच्छे से करें और अच्छे से सीख जाएं। ठीक, तो उससे इसके बाद है गौण नियम। है गौण नियम में पांच नियम है। सबसे पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, बहुप्रतिक्रिया का नियम मतलब इसके, इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है ना, तो सिर्फ एक बार ही प्रतिक्रिया करने पर वह हम अधिगम नहीं कर पाएंगे। उस किस चीज़ को सीखने के लिए हमें कई बार प्रतिक्रियाएं करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर बिल्ली ने कई प्रतिक्रियाएं की, जैसे कि यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास किया, ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, है ना, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं की, तभी उन्होंने मछली का टुकड़ा उन्हें प्राप्त हुआ, है ना। जैसे कि हमें TET पास करना है ना, तो हम एक बार प्रयास किए, हम नहीं हो पाए, है ना, तो हम क्या बढ़ जाएंगे चुपचाप, है ना, नहीं करेंगे, हम कई बार उसे, उस क्रिया को दोहराएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि हम उसे पास कर लेंगे। यह है बहुप्रतिक्रिया का नियम। दूसरा है मानसिक या मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम यह कहता है, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति का नियम यह कहता है कि व्यक्ति अगर किसी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार है तो किसी भी कार्य को आसानी से सीख लेगा, और यदि वह मानसिक रूप से सीखने तैयार नहीं है तो उस किसी भी कार्य को ठीक से नहीं सीख पाएगा। यहाँ पर बिल्ली जो थी वो मानसिक रूप से एकदम तैयार थी, इसीलिए वह इस कार्य को आसानी से सीख गई, है ना, और दरवाज़ा खुलना, लीवर दबाना सीख गई। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम यह कहता है कि यदि हम किसी कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में करके सीखें तो उसे हम आसानी से सीख सकते हैं, है ना। जैसे कि कोई जैसे कि यहाँ पर, है ना, ये बिल्ली ही बिल्ली थी, उसमें कई क्रियाएं, छोटी छोटी क्रियाएं शामिल है, जैसे कि यहाँ से ऊपर उछलना, कूदना, यहाँ से निकलना या लीवर दबाना, मतलब कई सारी क्रियाएं इसमें शामिल है, तभी हम वो अधिगम कर पाए, है, तो ये है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम मतलब किसी कार्य को छोटे छोटे रूपों में सीखना, छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके सीखना अच्छा होता है, है ना। नेक्स्ट है सादृश्यता या समानता का नियम। सादृश्यता या समानता का नियम यह कहता है कि किसी परिस्थिति में हम किसी कार्य को सीखें, यदि हम कोई कार्य को अधिगम किया है, सेम दूसरी परिस्थिति हमें मिले तो हम उस परिस्थिति में पिछला जो अनुभव हमने किया है उसके आधार पर ही हम दूसरा कार्य या जो परिस्थिति हमारे सामने है उसमें सीखें, है ना। समानता मतलब जो कार्य हमने सीखा है सेम दूसरी परिस्थिति में भी हम उसी के आधार पर उस कार्य को सीखें। जैसे कि यहाँ पे बिल्ली को एक पिंजरा, इस पिंजरे में उसने लीवर दबाना सीखा है, बाहर सीखा है ना, तो अगर इस पिंजरे में उन्होंने जो अनुक्रिया की वैसे ही अगर दूसरा पिंजरा इसको दे दिया जाए तो उसमें भी वो वही अनुक्रिया करेगी जो उन्होंने इसमें किया था, तो ये होगा सादृश्यता या समानता का नियम, है ना।
फिर पांचवा है साहचर्य, साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम यह कहता है कि नवीन परिस्थितियों में भी पूर्व ज्ञान के अनुसार अधिगम किया, अधिगम के अनुसार है ना, अधिगम करना, ये नवीन परिस्थितियों में भी पूर्व ज्ञान के अनुसार या अनुभव के अनुसार जो अधिगम होता है उसे कहते हैं साहचर्य परिवर्तन का नियम। मतलब जो अधिगम हमने पहले किया है सेम उसी को ध्यान में रखते हुए कोई नवीन परिस्थिति हमारे सामने आती है तो हम उसी के आधार पर जो अधिगम करते हैं वह होता है साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो ये हुआ था डाइक का सिद्धांत।